केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं किंग हमीद, मैं भोपाल आया हुआ हूँ। भोपाल की सबसे छोटी मस्जिद, यानी कि आप जो देख रहे हैं ये सबसे छोटी मस्जिद है। देखिए, दिखा रहा हूँ, देखिए ये है सबसे छोटी मस्जिद भोपाल की। दस से या पंद्रह आदमी ही पढ़ सकते हैं नमाज यहीं। बहुत पुरानी मस्जिद है। आइए, ये छोटी सीढ़ियां चढ़ेंगे तो भोपाल नजर आएगा। ये सीढ़ियां चढ़नी है, ऐसे राउंड चढ़ना है। देखिए ये सीढ़ियाँ, बहुत तंगी से चढ़ना है। ये दिल्ली से आए हुए हैं दोस्त आबाब इस मस्जिद को देखने के लिए। देखिए बड़ा तालाब है, आगे में जो दिख रहा है। भोपाल की बड़ी तालाब है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरे घर दिख रहे हैं। आप क्या जानते हैं इस मस्जिद के बारे में, थोड़ा बोलिए। हम कुछ नहीं जानते, हम तो जमात में आए थे। जमात में आए थे, हमने सुना था कि इस मस्जिद काफी छोटी मस्जिद है भोपाल की वजह से। हम मस्जिद में आए थे देखने के लिए मस्जिद है। अभी इसके बाद इंशाल्लाह हमें वो जामा मस्जिद जो हमने सुना है उसमें जाएंगे, उसका भी देखेंगे। ताजुल मस्जिद जाएंगे आप? जी, बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम। मैं जो लास्ट मर्तबा आया था, मैं ताजुल मस्जिद, ये देखिए ये ताजुल मस्जिद है, ये एशिया की बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद। ये हॉस्पिटल है, मस्जिद की सीढ़ियां देखिए यहां से उतरनी है। बहुत सी छोटी जगह है। यहाँ से उतरनी है,
सीढ़ियाँ हैं, सबसे ऊपर चढ़े थे हम, अब सबसे नीचे आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर। छोटी मस्जिद वही है जो दिखा रहा हूँ। इस मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं ये। प्रार्थना करो कर मस्जिद चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं, यहीं से जाते हुए ऐसे जाके सलामुअलैकुम सर, आपका नाम क्या है? साकिब। क्या बताना चाहेंगे इस मस्जिद के बारे में? ये सबसे छोटी मस्जिद और सबसे पहली मस्जिद जी। तो आप क्या जानते हैं इस मस्जिद के बारे में? ये मतलब एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है और जहाँ की पूरी बिल्डिंग है ना, जो सारी पूरी मस्जिद की जगह थी कब्जा करी गई है जी, छोटी मस्जिद। छोटी मस्जिद मतलब क्या नाम है मस्जिद का नाम? ढाई सीढ़ी मस्जिद। तो ये कहाँ पड़ती है? ये जीएमसी हॉस्टल रोड जी। तो ये ताजुल मस्जिद के पीछे रहती है मस्जिद। तो और कुछ क्या जानते हैं इसके बारे में? कितने साल पुरानी होगी ये? बहुत साल पुरानी। We'll be right back.
अस्सलाम वालेकुम। मालूम है आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद याव हसन है जी। और मैं इस मस्जिद में बतौर मौजिन के नाम के और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 20 साल हो गए जब से मैं आपको खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और ये मस्जिद जो है भोपाल की पहली मस्जिद कही जाती है और इसको जनाब नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया है। और ये किले की सफील के ऊपर है ये मस्जिद और पूरे किले के अंदर अब तो खैर किला रहा नहीं, टूट गया सब। तो इनका जो मज़ार है वो दूसरी नीचे वाली मस्जिद में है और उसमें उनकी बीवी का भी मज़ार है। तो उनकी बीवी का नाम फतेह बीवी था और इस किले का नाम जो है किला फतेहगढ़ है। उनकी बीवी का नाम फतेह बीवी था इसलिए इसका नाम किला फतेहगढ़ पड़ा। तो उन्होंने अपनी जब यह किला बनवाया तो इसमें असाकर इस्लाम की फौज का डेरा रहा करता था। तो उसका जैसे इसके ऊपर का एक हिस्सा है, पहले ऊपर ओपन थी पूरी मस्जिद, छत में भी बगल की मस्जिद थी, यानी जैसे सर उसके ऊपर से छत डालती ताकि पानी वगैरह रुक जाए तो उससे तमाम खराब हो रही थी। उसके बाद अपने नीचे वाले हिस्से में नमाज पढ़वाएं, पहले ऊपर पढ़ा करते थे। और जो आप ये हॉल पास देख रहे हैं तो इसमें से क्या है कि असाकर इस्लाम की जो फौज का पहरा रहता था तो वो लोग जो है दुश्मन के मार करने के लिए ये हॉल पास बनाए गए थे। ऊपर की दीवार मतलब ऊपर जो जाओगे आपको ऊपर सफील भी देखो उसके अंदर भी ये सब छेद हैं और ऊपर से जहाँ तक भी देख सकते हो आप दुश्मन को देख सकते हो, मार कर सकते हो। तो ये सब फौजियों लोग मिल गया था। तो ऊपर क्या होता था कि पहले एक एक दो दो लोग नमाज पढ़ा सकते थे क्या समझिए जब असाकर इस्लामी फौज का पहरा। अब जब वो ख़त्म हो गए तो क्या है आम हो गई मस्जिद, तब उसमें आम लोग सब भी नमाज पढ़ो। तो इसलिए भोपाल एक तो छोटी मस्जिद और कम लोग भी आते हैं इसके अंदर। और आप बाहर की स्पीच देखेंगे तो आपको दिख ही जाएगा यहाँ से वहाँ तक पूरा। और ये जो नीचे चीज़ गेस्ट हाउस बन गया इसके साइड में से रास्ता है, वहाँ से बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ से ऊपर से होते हुए आते थे वो ऊपर सफर गुर्जे पे आए, गुर्जे पे से ऊपर सफी किया इस मस्जिद तक आए, इसकी जो सफील है इससे ऊपर होते हुए ऊपर गए ऊपर जाके वहाँ से आजान का ही अपन और वहीं पर नमाज पढ़ी। तो ये वैसा था। अच्छा ये जो है मतलब उसके बाद ये गांधी मेडिकल कॉलेज इसमें बन गया। तो जब मतलब ये है कि नवाब साहब की हुकूमत हुआ करती थी तो उसमें जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो था जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका तो वो अपने नवाब हमीदुल्ला खानी नौकरी वगैरह करते थे उनके माँ बाप वगैरह जो भी थे। और नवाब हमीदुल्ला खान ने उनको पढ़वाया भी पढ़ाया इंग्लैंड में जो भी है। और उसके बाद फिर मतलब ये है तो उन्होंने कहा कि हुजूर नवाब हुजूर ये जगह आप दे दोगे तो बच्चों के लिए कॉलेज बन जाएगा। तो जिसमें वो मतलब कॉलेज बन जाएगा तो बेटे डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने जब ये उनको जगह दे दी थी इतनी इतनी जगह आप उसमें बना लो, लेकिन अब क्या है कि हॉल उनका है तो वो पूर्व में भेजते चले जा रहे हैं बगैर किसी उसके हर तरफ जो है जहाँ सर उठाया वहीं घुसते चले जाते हैं। और डिपार्टमेंट जो है ये वैसे उसका काम ही क्या डिपार्टमेंट देखे क्या समझे, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो देखता नहीं है सही तरह से क्या समझे। अब आम लोग ही करते रहते हैं उठा पटक जो भी है मस्जिद के अंदर। यहाँ पर पांच नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पांच वक्त की नमाज होती है जी। और तरावी का जो इंतजाम कमेटी करती है, कमेटी है वैसे तो नाम के लिए कमेटी, वो सिर्फ रमजान में ही यहाँ पर उन लोगों की आवक रहती है। वैसे तो 24 घंटे में ही रहता हूँ ज्यादातर क्या समझे, तो वो लोग 14 दिन में तरावी करवाते हैं। अब वैसे तो 28 दिन में होना चाहिए लेकिन वो 10-12 दिन में तरावी करवाते हैं, उसके बाद तरह से तरावी होती है। समझे पाँच वक्त की नमाज यहाँ पर होती है क्योंकि मेरी ड्यूटी रहती है तो मैं अपने यहीं पर मुकीम भी हूँ और नमाज भी मैं पढ़ाता रहता हूँ। मगर इस मस्जिद के अखराजात कैसे होते हैं? इस मस्जिद के अखराजात तो ये है कि या तो अपने पास कहीं से कुछ आया अपन लगा देते हैं समझे, और जो जिसको करवाना हो उसको अपन इजाज़त दे देते हैं कि भाई जिसको सवाब कमाना है वो अपने पैसे लगा दे, मतलब ये है कि सवाब कमाए बस। इस तरह से होते हैं वैसे आम, ना तो इसमें चंदा होता है ना कोई मदद मिलती है ना औकाफ से कोई मदद मिलती है। इस मस्जिद की दुकानें वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, के दुकानें से इसमें कुछ भी किराया नहीं है, नहीं इसमें दुकानें वगैरह नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। और जितनी भी जगह है वो जगह सब इन लोगों ने कब्जा कर रखी है
कसम है। और पीछे जैसे मांडे वगैरह खेत के उन्होंने जगह अपने उसमें कर रखी है, अब वही बात उन लोगों को बोलते हैं तो वो लोग सही तरफ से देख भी नहीं कर पाते हैं। अरे ये जो है जगह इनको दान की हुई, जितनी भी जगह थी गवर्नमेंट को नवाबंद सिर्फ दान की थी, बेची नहीं है कौम ने, कौन ने दान किए, जगह तो अपनी कौम की हुई है। कि ये लोग कहा कि ना हमारी, अरे भाई तुम्हारी कहाँ से, ये तो हमारी कौम ने दी है ये जगह, भाई हमारे कौम ने आपको दान करी है, बेची तो नहीं है, मैं आगे कैसे कह सकते हो कि हमारी है। और उसकी वजह से क्या है कि हुकूमत उनके होने की वजह से मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या समझ तरीका से चलें, कायदे से चलें, कानून से चलें तो कोई बात बनती है। और इमाम और मौजिन का गुजारा कैसा चल रहा है? इमाम भी मैं हूँ, मौजिन भी मैं हूँ, और यहाँ से जो आपसे अपन को तनख्वाह मिले अपन 150 रुपये पे तो यहाँ आए थे, क्या समझ, और वहीं से वो बढ़ाते नहीं पैसे, एक तो बढ़ाते नहीं है वो, अंदर ही अंदर डिपार्टमेंट के अंदर तो जो है बढ़ते रहते हैं पैसे, लेकिन मौजिन इमामों के पैसे नहीं बढ़ते क्या समझे। और हालांकि दिल्ली में भी ये बात पास हुआ था, वहाँ के मौजिन इमामों की हालांकि तनख्वाहें ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये लोग तनख्वाहें नहीं बढ़ाते मौजिन इमामों की, और खुद अपने और उनके हर साल साल बढ़ाते रहते हैं। अभी लॉकडाउन के बाद से तो खैर कुछ भी नहीं, कुछ यहाँ से मिलता है बाबा जो पढ़ाते हैं, प्राइवेट पढ़ा तो पूजा पूरा कर ले। यहाँ मदरसा वगैरह है? यहाँ मदरसा नहीं है, तो प्राइवेट में दूसरे वजह से पढ़ाने जाता हूँ जी, पहले ट्यूशन जाता था लॉकडाउन में, वो भी खत्म हो गई जी, उसके बाद से फिर कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बस अल्लाह अलहमदिल्ला ये है कि अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं रखा और अल्लाह ताला अपना निज़ाम चला रहा है, और सब अल्लाह का ही करम है अपने ऊपर, वरना तो इस मस्जिद में लोग डर के मारे वैसे भी नहीं आते थे पहले, जब इसकी आज 30-30 साल पहले कसम है, लेकिन अलहमदिल्ला अल्लाह ताला ने यहाँ तो मुझे खुद ब खुद भेजा, और जब से मैं यहाँ आया हूँ और जब से मैं आया हूँ तो अलहमदिल्ला जब से मैं ही, मैंने तो सिर्फ नियत करी थी एक बार कि यहाँ मैं नमाज़ पढ़ के जाऊँगा 2 रकात, और इसका बुलावा मेरे पास आया और मैं मैंने कहा कौन सी मस्जिद, उन्होंने कहा इंशाल्लाह चला जाऊँगा। इस मस्जिद का नाम क्या है? इस मस्जिद का नाम ढाई सीढ़ी है, ढाई सीढ़ी मस्जिद है। तो अब जिस हिस्से के अंदर है एक हिस्सा तो उसका ही है, और सेम टू सेम इसका ऊपर का भी है, दो एक कमरा इसके नीचे है जी, तो ये ढाई हो गया। अब फिर एक सफ़ी ये सीधी लंबी है, और दूसरी जहाँ पर वजू करते हैं वो है यहाँ से बुर्जे तक, सामने वाले बुर्जे तक, और जो उधर से बुर्जे को वहाँ से जो रास्ता आया वो बड़ी बड़ी सीढ़ी है, उसकी लेंथ कम है तो भी ढाई, 70 से 250 यही जी क्या। जैसे लोग सोचते हैं नहीं साहब दो ढाई आदमी नमाज पढ़ रहा है, दो ढाई आदमी नमाज पढ़ रहा है वो तो बहुत असागर इंसान भी, जैसा कि मैंने आपको बताया फौज के हिसाब से एक बार आओ। अब क्या है कि आम है, आम जनता नमाज पढ़ती है, तो उस हिसाब से 12-14 आदमी नमाज पढ़ लेते हैं आराम से एक हिस्से में। माशाल्लाह मस्जिद तो बहुत अच्छी उम्दा है। KCN की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, KCN को बात करने के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, ये भाई हमारे हैदराबाद से आए, मैं तो खाली भाई को मस्जिद दिखाने आया था, तो आप मिल गए तो मैं इनका थोड़ा सा। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खलील है जी। आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यहीं का कादीगंज कांग्रेस नगर का रहने वाला हूँ जी। सर ये? ये भिनोई है मेरे, ये हैदराबाद से जी। आपका नाम सर? मेरा नाम हाफिज जावरी है जी, मैं हैदराबाद से हूँ। अक्सर यहाँ आते रहते हैं क्या आप लोग? जी हाँ जी, लेकिन यहाँ पे नहीं आया था मैं इतने दिनों में जी, अभी मेरे साले साहब जो से लेके कर आए हैं मेरे को जी, जी मेरा अक्सर मतलब अक्सर तो नहीं आना होता, मगर फिर भी जो खसूसी कोई मौके मिलते हैं, जैसे कोई अपना वाला मिलता है उन्होंने किया भोपाल दिखाओ, तो भोपाल में एक ताजुल मसाजिद बहुत माशी अल्लाह का हुक्म से बहुत बड़ी मस्जिद है, ऐसे ही भोपाल की सबसे छोटी मस्जिद ये कहलाती है ढाई सीढ़ी वाली। एक खास बात इसमें ये है कि भोपाल की सबसे छोटी मस्जिद और बड़ी मस्जिद आमने सामने जी, ये ऊपर से अगर आप देखोगे बिल्डिंग बनी वाला ताजमहल साहब, तो ये अपनी दोनों मस्जिद दिखती है जी जी। एक पर्क सीरियल में सबसे पहले फर्स्ट टाइम दिया था कि भोपाल की बड़ी मस्जिद तो छोटी मस्जिद आमने सामने, ये स्केलिंग की इसको। सर आपका और क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं है, मैं तो भोपाल आया हूँ, हैदराबाद से दोस्तों, तो वहाँ पे भी काफ़ी मस्जिदें देखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से भोपाल में है अल्लाह का घर में, यहाँ पे हर वो चीज़ अलग है, जैसे आप हैदराबाद में देखते वहाँ से हट के इधर यहाँ पे हर वो चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है अपने पास में मुसलमानों में एक आदत है कि अपनी अपनी चीज़ को कुछ बताओ, वो एक यहाँ पे मेरे को दिखाओ
जी। आज जो हमारे ये जो मस्जिद को देख रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, इनको क्या बताना चाहेंगे आप? कुछ नहीं है, जिस तरीके से अपने इमाम साहब जो बताए हैं, ऐसा अगर कुछ अपने इमामों पे अगर कोई तवज्जो अगर फरमाए यहाँ पे, तो समझो हर जगहों पे ए से लेकर जब तक समझो यहाँ पे अपने पास इमाम की कोई औकात नहीं है, इमाम की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन इतना है कि अगर आप देखा अगर जाए तो अगर अपने जितने मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग जो है सो अपने इमामों को नीचे कर दे रहे हैं, सिर्फ स्कूल 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 स्कूल। लेकिन सबसे पहली चीज़ मरने के बाद में सवाल जवाब ये होएगा, ये आप कुछ लोग मुसलमानों से पक्की बात बोलेंगे कि भाई ये सवाल जवाब होएगा, लेकिन मरने का डर किसी को भी नहीं है। सब आज अपनी अपनी दुनिया का देख रहे हैं, लेकिन आज अगर अपन सबसे बड़ा अगर अपन दर्जा अगर देखें तो ये इमाम और ये मौज़ा उनके लिए। लेकिन अब इस वक्त के अंदर समझो ये लोग की तो कोई इज्जत है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस अपनी मेहनत करके अपने को जी लेने का है। लेकिन ये आले नबी औलाद अलियों की अगर नस्लों से अगर आप अगर उठा के देखें तो हकायक यही है अपनी, यहाँ से ही अपने को कामिल ईमान पे चलना है, तो यही अल्लाह का घर है। अब इससे हटके अल्लाह के घर की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है, बस हमारा एक कहना एक ही है कि यहाँ के भी मोमिन जितने भी मुसलमान हैं कि इकट्ठा हो, जो आगे वाली कौम जो अपने ऊपर जिस तरीके की जो गुफ्तगू उठा रही वो गुफ्तगू नहीं होती है। केसीएम को बात करने के लिए दुनिया के मंत्री जो है वो क्या कहते हैं पहले औकात के मंत्री थे, तो उन्होंने मंत्री से जब बात हुई, जब ये तनख्वाह बढ़ाने की जब बात चल रही थी, तो उन्होंने क्या उठा के बात कह दी कि साहब वो मौलवी इमाम को तनख्वाह की क्या जरूरत है, मुंबली का ठेला लगा लेंगे। अब ये बात आप ये बात भी कहना चाहिए उन्हें, जबकि उनको उठाना चाहिए, उनके लिए तनख्वाह बढ़ाना चाहिए। उनके मंत्री होते हुए 5 साल तक तो ऐसी तनख्वाह नहीं बढ़ी थी, तो उसके बाद मतलब इस तरह की बातें करते हैं और लोग उनको ये सोच के यार मुसलमान सारी को मतलब उनको उठाने की कोशिश करती है और उठा भी देते हैं उनको, उठा के इतने ऊपर बिठाया, बिठाने वाली रात तो अल्लाह की है क्या समझे, लेकिन कौम फिर भी उनको मतलब अपना रहमत समझ के उनको उठाती है, लेकिन वो लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं, मुसलमान काम ही नहीं आते हैं, बस नाम की मंत्री। भोपाल में इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और वो वक्फ बोर्ड जो आपको कुछ भी मदद नहीं करता है, वक्फ बोर्ड की अंडरटेकिंग में जितनी मस्जिदें आती हैं वो उनको तनख्वाह देती है, जो औकाफ़ आम्मा के अंडरटेकिंग में आती हैं वो औकाफ़ आम्मा उन्हें तनख्वाह देती है, और जो मसाइद कमेटी के अंडरटेकिंग में आती हैं मसाइद कमेटी उनको तनख्वाह देती है। सब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, मसाइद कमेटी को जो है आपकी ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से, और औकाफ़ आम्मा कोई ग्रांट नहीं लेती है बल्कि और बहुत मदद करती है, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ती है। वक्फ बोर्ड अपनी मस्जिद इमाम को अलग तनख्वाह देती है और शाही औकाफ अपने मौज़िन इमामों को अलग तनख्वाह देती है, चार डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, सब में जितनी जितनी मस्जिदें और जितने जितने मौज़िन इमाम हैं उनको वो लोग तनख्वाह देते हैं। भाई ये है इंशाल्लाह आपके जो भी तकलीफात हैं अल्लाह ताला आपको आसान करे, आमीन, और आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो भी आते हैं जो आप हमें बता रहे हैं अल्लाह ताला आपको सब लोगों को बताएं कि जो भी आपको मदद मिले इंशाल्लाह हमारे चैनल से भी इंशाल्लाह मदद मिलेगी, तो इंशाल्लाह मेरे साथ तो अल्लाह का इतना करम एहसान है कि अभी मेरे 1 साल क्या कहते हैं 2-3 महीने हो गए, मेरी गाड़ी स्लिप आ रही और मेरी हड्डी हुई फ्रैक्चर जी क्या समझे, और ये क्या कहते हैं यहाँ ऑपरेटर ही, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे फट से खड़ा कर दिया, जो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने फौरन नमाज मुझे खड़ा भी कर दिया और ये 20 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने लौट भी दिया, मतलब डॉक्टर तो खुद हेल्प करता है बंदा आपके सामने मतलब ऐसा क्या है क्या समझे, लेकिन ये सब अल्लाह का करम ही है मेरे ऊपर समझे, वरना कोई ताकत नहीं है खड़ा हो जाए मतलब नमाज भी पढ़ा ले और वो भी कर ले और पढ़ा ले मतलब, लेकिन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा कर दिया, मेरी दुनिया थी अल्लाह ने मुझे उस पर कायम रखा और नया सही है इसने सर। ओके जी, मैं यही बता रहा था कि ये जो ढाई सीढ़ी वाली मस्जिद है ना, ढाई सीढ़ी वाली असल यही मस्जिद है, लोग बाग आते हैं बाहर से, लोगों को मालूम है कि ढाई सीढ़ी छोटी मस्जिद है यहाँ, वो बाजू में जो मोदाखाने के सामने मस्जिद बनी है उसको ढाई सीढ़ी समझ के चले जाते हैं लोग बाग देख के, ये भोपाल के बहुत कम लोग हैं जिनको मालूम है कि ढाई सीढ़ी है, वहाँ उधर ढाई सीढ़ी मस्जिद देख लिया है तो लोग उसको देख के ढाई सीढ़ी समझ के चले जाते हैं। बनाया हुआ है ये, इसकी सीढ़ी इधर से आई इस बुर्जे के ऊपर आई,
और इस बुर्जे के पास आ गए और ये ऊपर की सफील पे से होते हुए ये अपन इधर आए और ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंच गए और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पर अपन ने आजान कही है, नमाज पढ़ी। ये पहले ये ओपन था ऊपर का हिस्सा, अभी ये आए इसी सफील के ऊपर अपन इस निचले वाले हिस्से में आ गए। अभी अपन नीचे वाले में नमाज पढ़ते हैं और ये कम है, ये नीचे है तो ये बंद है क्या समझे, और इस रास्ते से अपन ऊपर चढ़वा समझे, और ये इधर से लड़का लड़की जो है ऊपर चढ़ के परेशान करते थे तो इसलिए इधर से अपन ने आना जाना में लड़का लड़की होंगे रोका यहाँ से। ये अभी नया नया दिख रहा है इसके बारे में, ये तो क्या कहते हैं सब पुराना है और प्लास्टर इसके ऊपर हुआ है खाली, और ये जो है नीचे भी क्या कहते हैं जमीन की सजाई जो है छत और इसमें भी प्लास्टर दाना किया गया है। आप देखेंगे ना तो ये देखिए अंदर देखेंगे आप पानी की दीवार दिख रही है, अंदर दीवार पानी दीवार दिख रही है, पानी दीवार से ले लो फुट चाप चलिए ये जो सुराखे हैं किस लिए हैं, ये फौजी लोगों के लिए, फौजी लोग ये सीढ़ियाँ किस लिए बनाए हैं जी, हाँ हाँ तोपें रहती थी इधर, ये है रास्ता है ये बिल्डिंग में कुछ नहीं, इसमें भी इसकी चौदह पन्ना कुछ जगह इसमें भी बिल्डिंग में भी इंतजाम लगी हुई और ये इधर अभी ये बारिश की वजह से बढ़ गया, ये अभी कटे नहीं है, इनकी सफाई होगी। वो रास्ता है वो गेट तो ये गेट ये गेट क्या समझे, और वहाँ सामने से होते हुए इधर से चढ़ के आते थे, क्या की इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता आदमी, सही बात, तो इसलिए हरे के बस की है भी नहीं, इसलिए अपन उधर से चढ़ते हैं साइड से, ये यहाँ से पूरा दिक्कत है भोपाल तालाब है ना, ये तालाब दिखता है छोटा तालाब है, छोटा तालाब किधर है, बड़ा तालाब है ये, बड़ा तालाब, ये बड़ा तालाब छोटा तालाब उधर है, सामने ही वो है ऊपर उनकी कुटिया थी नवाब साहब की, किधर मस्जिद का मीनार भी दिखेगा से दिखेगा, असल मस्जिद ऊपर ही थी जी, जी हाँ अब बंद कर दिए हैं, अच्छा ये स्लो पर था, ये फ्री जगह थी, ज्यादा कुछ नहीं।
अहमदाबाद, वो जो सफेद मीनार दिख रहा है, मीनार दिख रही है, सूफिया मस्जिद का मीनार है, सूफिया मस्जिद जहाँ नवाब साहब रहते थे, उनकी कोठी भी वहीं पर यहाँ तो पूरा भगवान दिखता है, ताजिर मसाजिद। किधर है ये मजार भी उसके चक्कर में दिखना बंद हो गया, नहीं तो यहाँ से पूरा मैदान पड़ा था, बहुत बड़ी जगह है। दरअसल ये थी यहाँ पे इसपे क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं इसमें लिखा हुआ है ना, जो ऊपर जो सीढ़ियाँ हैं उसको किस लिए है? यहाँ से लोखंड लोहे की है ना, हाँ राड वाली बना हुई है, बनाई है बाद में बनाई जी, इसमें छत नहीं थी, हाँ 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 ओपन थी जी जी, वो नीचे वाले जो नक्शे दिखाए ना, हाँ 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 ये दो है ना, ये सिर्फ यही थी, खुली हुई थी, हाँ 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 ऐसा लगता है जैसे ताज रखा हुआ है, इस पे भी चढ़े हम, और ऊपर भी है ना छोटी सीढ़ियाँ, हाँ इधर इधर है ना, वो भी ऊपर ऊपर ही जाने के लिए बनाई थी, लेकिन जो मेन है वो बस यहीं तक ही, यहीं तक था जी, वो बाद में अपन ने उसको वो कर दो, मीनारे थे बाकी छत खुली हुई थी, बस इसमें सर कुछ ये जो आपको दिख रही है वो ओरिजिनल ही है, ये सब ओरिजिनल ही है आपकी ये दीवारें, ये सब ओरिजिनल, यहाँ भी चूने की छत थी, वहाँ भी चूने की छत थी, तो इसके ऊपर प्लास्टर हुआ है, लेकिन इसके नीचे अभी भी चूने की छत थी, जहाँ भी अपने नीचे खड़े थे म्याले लगी हुई, वैसे भी नीचे वहाँ की म्याले सब है।